हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा डिलीशन एंड रिकवरी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन। तो दोस्तों, बड़ा ही डर रहता है। आप जरा खुद सोचिए कि जैसे आप अपने कंप्यूटर में अगर वर्क कर रहे हो और सोचते हो गलती से फाइल डिलीट ना हो जाए या कहीं खो ना जाए, ठीक है। कभी ना कभी वैसे खोने का ना बड़ा आसान तरीका होता है ढूंढने का, वो कभी और लेक्चर में आपको समझाऊंगा। बट कोई भी फाइल ढूंढ हम आराम से ढूंढ सकते हैं, अगर आपको स्पेशली शेल कमांड्स आती हैं तो वैसे तो ढूंढना बड़ा आसान होता है। पर ये डर रहता है दोस्तों कि डिलीट ना हो जाए। डिलीट हो गया तो रिकवरी बिन में होता है, बट रिकवरी बिन से भी आपने डिलीट कर दिया तो मिलना नामुमकिन है ना। तो डर लगा रहता है, राइट। हमें खुद ही डर लगा रहता है। आप जस्ट एक चीज, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इमेजिन करिए, फेसबुक पे आप हो, है ना, ट्विटर पे हो गए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चलो, और आपका अकाउंट डिलीट हो जाए ये अगर यूट्यूब के डेटाबेस से, राइट। कहीं ना कहीं तो आपका अकाउंट एक्सेस करता है, नहीं। अगर वहां से डिलीट हो जाए तो सोचो क्या होगा, कंपनीज को क्या होगा, कंपनीज का तो पूरा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो आई होप एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप ये समझ पा रहे हो कि डेटा डिलीशन बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। द स्टोरेज डिवाइसेस कैन माल फंक्शन और क्रैश डाउन, रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ डेटा स्टोर। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जस्ट इमेजिन, आजकल तो पूरे एरोप्लेन चल रहे हैं, सैटेलाइट चल रही है, डेटा डिलीट हो गया तो मतलब बहुत रिस्क है, लाइफ के रिस्क है दोस्तों यहाँ पे। एंड लाइफ के नहीं तो छोटे मोटे चीजें, बैंक का डेटा है ना। जस्ट इमेजिन आपका बैंक रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, आधार डेटा डिलीट हो जाए, राइट। उसके दो तरीके हैं, या तो किसी ने डिलीट कर दिया या माल फंक्शन हो गया, राइट। ये क्रैश और माल फंक्शन एक ही बात है। यूजर्स कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। आप अपने कंप्यूटर में डिलीट कर सकते हो, और जस्ट इमेजिन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, उसने अगर गलती से डेटा डिलीट कर दिया तो क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ जी, ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं कि गलती से डेटा डिलीट हो गया है, राइट, तो उसमें क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये बड़े डर लगे रहते हैं, बड़े कंसर्न्स हैं। और हैकर्स आपने सुने होंगे, हैकर्स क्या होते हैं कि उनका काम होता है सिस्टम को ब्रेक करके उसमें से डेटा चोरी कर लेना या एल्गोरिथम जान लेना या डैमेज कर देना। तो हैकर्स भी होते हैं दोस्तों। तो हैकर और मालवेयर कैन डिलीट डिजिटल डेटा इंटरनेशनली। तो आजकल युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन वाला युद्ध हो रहा है, बट आगे चल के आपको दिखेगा, आगे चल के क्या, इवन अभी ही युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं जहां पे डेटा डिलीट हो रहे हैं। मतलब क्या होता है, एक कंट्रीज अटैक कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज पे। चाइना ने तो अपनी पूरी आर्मी बिठा रखी है हैकर्स की। क्या करते हैं, ये दूसरे कंट्री के डेटा डिलीट कर दिए, अकाउंट हैक कर लिए, वेबसाइट हैक हो गई। आपने सुना होगा सीबीआई की वेबसाइट हैक हो जाती है, इंडिया भी करता है, ठीक है। इंडिया इसमें थोड़ा पीछे है, आई थिंक इवेंचुअली आगे होता जाएगा, गवर्नमेंट का खुद फोकस नहीं है उसमें, वो तो प्राइवेट लोग ही करते हैं। कि इंडिया भी अटैक करता है ऑन कंप्यूटर्स, बट बाकी कंट्रीज तो इसमें पूरे डेडिकेटेड है, फोकस्ड है। ईरान में मतलब जब यूएस और ईरान का काफी तामझाम चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो ईरान का काफी कुछ सिस्टम उड़ा दिया यूएसए ने मालवेयर बेच के। मालवेयर मतलब क्या होता है, मालवेयर का मतलब है कि एक काइंड ऑफ वायरस समझ लीजिए, जो आपके डेटा को डिलीट कर देता है, डेटा को करप्ट कर देता है, राइट। कितना फेयर है। आप जस्ट इमेजिन करिए, इंटरनेट आपने ओपन करा, कोई फाइल डाउनलोड करी और सब कुछ डिलीट हो गया आपका, जस्ट एक इमेजिन करिए। तो ये कितना बड़ा डर है, एक है ना। या एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्सप्लोर पॉसिबल वेज ऑफ रिकवरिंग डिलीटेड डेटा और डेटा फ्रॉम ए करप्टेड डिवाइस। गूगल सर्च करो, मिलेगा आंसर, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर मिलेंगे, और ये जानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। आई होप आप इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हो। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो दोस्तों आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं यहाँ पे, कि डिलीट डेटा का आखिर मतलब क्या है। आपने डिलीट चलाया, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये होता है, देखो सब कुछ 1-0 फॉर्म में स्टोर है, कंप्यूटर में 1-0 फॉर्म में स्टोर है दोस्तों, है ना। तो ये बिट्स को क्या करेंगे, मतलब आप बताओ डिलीट कैसे करेंगे। या तो इसको रब कर दिया जाए कि ठीक है 0-0 बना दिया जाए, राइट। 0-0 का भी कुछ ना कुछ लेकिन मतलब होता है, आई होप ये पॉइंट आप समझ सकते हो। सब कुछ 1-0 के टाइम में बात हो रही है। तो समझते हैं कि दोस्तों डिलीट आखिर आपका कंप्यूटर करता कैसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही हम यहाँ पे देखेंगे। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग।
तो अगर आपसे कहा जाता कि इनको चेंज करो बिट को, तो कौन चेंज करेगा? खुद सोचने की कोशिश करो दोस्तों, ये सब एल्गोरिथम्स होते हैं, जस्ट टू टेल यू ना कि ये सब चलता कैसे है। सब एल्गोरिथम से चलता है, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके एल्गोरिथम लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप विंडोज यूज कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ने कोड कर रखा है, किसी ने प्रोग्राम लिखा हुआ है, किसी ने सॉफ्टवेयर, तीन वर्ड यूज करे, कोड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो चल रहा होता है आपके सिस्टम में, जो सब हार्डवेयर से कनेक्ट कर रहा होता है। और उस सॉफ्टवेयर बनता कैसे? प्रोग्राम करके या कोड करके, राइट? कोड करके, कोडिंग भी हम देखेंगे आगे चल के। तो दोस्तों ये ऐसे अगर हो रहा होता है, ये जो शब्द लिखे हुए यहाँ पे कि चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो कंप्यूटर में दोस्तों होता कैसे है, देयर फॉर वेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री। तो होता क्या है कि जैसे मेमोरी है आपके कंप्यूटर की, मेमोरी मान लेते 1, 2, 3 मेमोरी है, तो यहाँ पे 1010 ऐसे स्टोर था, यहाँ पे 0001 स्टोर था, या 100 स्टोर था। ठीक है, इनके कुछ ना कुछ मतलब है, उसमें हम नहीं जा रहे, ये स्टोर है। तो ये सब मेमोरी कही जाती है कि ये जो मेमोरी है, जैसे ही आप कहते हो कि ये डिलीट कर दो वन रिकॉर्ड, तो कंप्यूटर क्या कहता है कि इस स्पेस को, इस मेमोरी लोकेशन को बोलता है ये फ्री हो चुकी है स्पेस। समझे आप बात? ये स्पेस फ्री हो गई है, तो कुछ और रिकॉर्ड इसके ऊपर ओवर रिटर्न हो सकता है। जैसे आपने कोई फाइल डिलीट करी, अपना रेज्यूमे डिलीट करा, तो कंप्यूटर करता क्या है कि वो स्पेस फ्री कर देता है, और जो स्पेस फ्री हो गई है उस पर कुछ और वो ओवर रिटर्न कर सकते हो आप फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल आपने रेज्यूमे डिलीट करा, और आपने लेट से प्रियंका चोपड़ा की फोटो डाउनलोड करी, तो प्रियंका चोपड़ा की जो फोटो आपने डाउनलोड करी, वो आपका जो रेज्यूमे वाली लोकेशन थी, मे बी, अभी भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मे बी, उस लोकेशन पे जाके वो रख दी जाए। तो ऐसे ही होता है, मतलब जब भी आप डिलीट चला रहे होते हो, तो डिलीट चला के देखना दोस्तों, जैसे आप डिलीट चला रहे होते हो तो आप देखते हो कि फ्री स्पेस जो होती है वो बढ़ती जाती है, आपकी डिस्क की फ्री स्पेस बढ़ती जाती है ना, फ्री स्पेस बढ़ती जाती है, और मेमोरी लोकल सी या डी ड्राइव जो होगी उसकी आप मेमोरी देखोगे तो वो कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यूज्ड मेमोरी जो है वो कम होती जाएगी, राइट? स्पेस फ्री होती जा रही है। तो कंप्यूटर में होता क्या है, व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस मार्क्ड इज फ्री, इज इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। तो असली में डेटा डिलीट नहीं हो रहा है दोस्तों, समझ रहे हो ये बात? उस एंट्री को हमने फ्री मार्क कर दिया है, और आपको दिखता है ऐसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बना होता है दोस्तों, अब भले ही आप मैक यूज करो, एंड्रॉयड यूज करो, या विंडोज यूज करो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, सो बना ऐसा होता है कि आपको दिखता है कि वो डेटा डिलीट हो गया है, क्योंकि उसकी स्पेस जो है वो फ्री मार्क कर दी गई है, राइट? तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको मैंने आसान आराम से समझा है, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस डेटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड दैट अराइजेज अ नीड टू रिकवर द डेटा। तो अगर गलती से डिलीट हो गया है, तो देयर इज अ नीड टू रिकवर दैट डेटा, रिकवरी ऑफ द डेटा। आप बोलो कि रिकवरी ऑफ डेटा कैसे होगा, रिकवरी ऑफ डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवररिडन बाय सम अदर डेटा। तो दोस्तों हमने ये जो स्पेस फ्री मार्क कर दी थी, अगर इस पे किसी और ने ओवर रिडन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1010 जो था उस पे कुछ और ओवर रिडन हो गया और 111 लिखा है, तो इसका मतलब ये जो स्पेस है ये ओवरराइट कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिज्यूमे डिलीट हुआ, ठीक है, गलती से डिलीट हो गया, और आपने प्रियंका चोपड़ा की फोटो डाउनलोड करी, और वो आपके उसी मेमोरी लोकेशन पे गई जहाँ पे आपका रिज्यूमे पड़ा था, ठीक है, तो आपका रिज्यूमे कभी रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रियंका चोपड़ा की जो आपने फोटो सेव करी थी वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे सेव होती है, तो आपका रिज्यूमे रिकवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी इंटरनली पड़ा हुआ है, हाँ, उसकी स्पेस फ्री मार्क कर दी गई है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस मेमोरी लोकेशन पे हम ओवरराइट करते हैं या डेटा लिखते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पे है। हाँ, प्रोग्रामिंग से ये भी चेंज किया जा सकता है। तो यही वर्ड लिखा है कि अगर तभी रिकवर हो सकता है इफ द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवररिटन बाय सम अदर डेटा। डेटा रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड करप्टेड और एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो डेटा रिकवरी में
मतलब काफी कंपनीज वर्क कर रही हैं, काफी आपने लोगों से देखते होंगे, उनसे बोलते होंगे रिकवर कर देते हैं वो डेटा। वो रिकवर तभी कर सकते हैं जब वो ओवर रिटन किसी और मेमोरी से नहीं की गई है। देर आर यूजली टू सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद डेटा। दो सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं जो डेटा से एसोसिएटेड होते हैं। वन इज इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज पर्सन और सॉफ्टवेयर। तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि डिलीट कर दिया किसी अनऑथराइज पर्सन ने, जो ऑथराइज नहीं था, डिलीट कर दिया। दीज कंसर्न्स कैन बी अवॉइडेड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजिंग पासवर्ड्स फॉर यूजर अकाउंट्स एंड फाइल्स वेयर एवर पॉसिबल। तो आपसे कहा जाता है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए जिससे आपका कोई अकाउंट हैक ना कर पाए, है ना। उसके बाद ये भी बोला जाता है आपसे कि एंटीवायरस रखिए कंप्यूटर में और पासवर्ड की जो डिटेल्स हैं वो किसी को ना बताएं। फेस रिकॉग्निशन, हैंड रिकॉग्निशन, ये सब टेक्निक्स भी लगी होती हैं। देर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ एनक्रिप्टिंग फाइल्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों आपका नाम है प्रियंका, है ना, तो कंप्यूटर में एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट मतलब इसको चेंज कर दिया, इसको स्टोर करते हैं लेट से ऐसे, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आपने स्टोर ऐसे करा, राइट। तो अगर कोई इसको पढ़ेगा तो उसे समझ में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने एनक्रिप्ट कर दिया है, राइट। इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से स्टोर करना जैसे वो है। और डिक्रिप्शन का क्या होता है, डिक्रिप्शन का मतलब होता है वापस ए बी सी डी ई एफ से प्रियंका बनाना, ठीक है। तो एक और टेक्निक होती है डेटा सेव करने की, कि सब डेटा एनक्रिप्ट करके रखो, राइट। ये टेक्निक्स हम थोड़ा सा इंसानों की तरह भी यूज करते थे जब कागजों पे लिखते थे कि छुपा के लिखो, कोड वर्ड में लिखो, है ना, तो वही एनक्रिप्टेड होता है। एक सेकंड कंसर्न देखते हैं डेटा के साथ। द सेकंड कंसर्न इज रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। सो एक और कंसर्न क्या होता है कि अनवांटेड रिकवरी हो जाती है बाय ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर। मेनी अ टाइम्स वी डिस्कार्ड ओल्ड ब्रोकन और माल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइसेस विदाउट टेकिंग केयर टू डिलीट डेटा। काफी बार दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर लोग अपना थ्रो कर देते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि फोन में फोटो सेव है आपके दोस्तों, है ना, उसके बाद दोस्तों वो आपने फोन बेच दिया किसी को, है ना, और फोटो आपने डिलीट तो करी लेकिन परमानेंट डिलीट नहीं करी आपने, और सामने वाले इंसान ने आपका फोन लिया और उससे फोटोज आपकी रिकवर कर ली। आई होप आप इम्पैक्ट समझ सकते हो। अगर वो प्राइवेसी वाली फोटोज हैं, सेंसिटिव फोटोज हैं, तो वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहो जब भी किसी को फोन दो, अपना ये दो, और स्पेशली कुछ प्राइवेट फोटोज हैं, आपके प्राइवेट अकाउंट्स हैं, तो सब हिस्ट्री क्लीन करो, कुकीज क्लीन करो, इसका ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और बाकी लोगों को भी बताओ। वी अज्यूम दैट द कंटेंट्स ऑफ डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव। हम तो अज्यूम करते हैं परमानेंटली रिमूव कर दिया है, बट परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ होता दोस्तों। हाउएवर, इफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्चीव मॉन्गोर्स, दे कैन इजीली रिकवर डेटा फ्रॉम सच डिवाइसेस। दिस पोजेस अ थ्रेट टू डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एक चैलेंज है, अभी मैंने आपको समझाया कि डेटा असली में तो डिलीट हो नहीं रहा है, सो उसके बिट्स चेंज हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर किसी स्मार्ट आदमी को, है ना, जनरली होते नहीं है स्मार्ट, है ना, जनरली तो लोगों को फोन चलाना नहीं आता होता है ना, लेकिन किसी आदमी को, आप काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो स्पेशली, और आपने किसी और को दे दिया तो आपका सब कुछ रिकवर कर सकता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा अच्छे से अगर आपने डिलीट नहीं करा। इसलिए स्पेशली ये जो चाइनीज फोन वगैरह है इसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। हाँ, आईफोन वगैरह है तो वो डिलीट जो है वो थोड़े से अच्छे तरीके से कर देता है, फिर वो इररिकवरेबल, मतलब रिकवर हो ही नहीं सकता। बट काफी बार हमें स्पेशली जब MI वगैरह जो फोन्स हैं, चाइनीज फोन्स हैं, उसमें ध्यान रखना चाहिए, सही से डिलीट करो, बार बार चेक करो, है ना, स्पेशली कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फेंक दो, ये सब कोशिश है करा करो। दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स टू डिलीट और शेड डेटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी ओल्ड और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइस। तो कंपनीज बड़ी केयरफुल होती हैं डेटा डिलीट करने में, ऐसे ही आपको भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो ये सब कंसर्न हैं कि एक तो आपने डिलीट कर दिया डेटा, और दूसरा आपने डिलीट करा और किसी अनऑथराइज पर्सन ने उसको वापस रिकवर कर लिया डेटा को। आपको तो लगा सब डिलीट हो गया था, बट उसने सब रिकवर कर लिया, है ना। देखो आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक स्कैंडल हुआ था कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी फोटोज आईफोन में रखी थी और वो डिलीट भी करते थे, जिसमें जेनिफर लॉरेंस की भी फोटोज थी, ठीक है, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, उनकी प्राइवेट फोटोज थी और उन्होंने वो डिलीट भी करती थी दोस्तों, तब भी हैकर्स ने उनकी वो फोटोज रिकवर कर ली। तो कितना, मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब शॉक था। तो जेनिफर लॉरेंस वही कह रही थी कि मैंने तो फोटोज डिलीट कर दी थी, तब भी हैकर्स ने रिकवर कर ली,
शी वॉज नॉट श्योर कि ये क्या हुआ, तो एंड शी वॉज रियली सैड एंड सरप्राइज एंड काफी एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ था। तो ये आईफोन में हुआ था दोस्तों, ठीक है, आईफोन ने इसके लिए माफी भी मांगी थी, बट एक बार हो गया तो फिर काफी इम्पैक्ट पड़ता है उसका, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 1.5 में, क्रिएट अ टेस्ट फाइल, एक टेस्ट फाइल क्रिएट करो दोस्तों एंड देन डिलीट इट यूजिंग शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट साथ में दबाना फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। नाउ रिकवर द फाइल यूजिंग मेथड्स यू हैव एक्सप्लोर्ड इन एक्टिविटी 1.4। तो अब ट्राई करके देखो क्या आप रिकवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पहले तो आप सिर्फ डिलीट करो, फिर देखो आप रिकवर कर पाते हो या नहीं, फिर आई थिंक आप रिकवर आराम से कर पाओगे, है ना। शिफ्ट डिलीट करो फिर देखो आप क्या रिकवर कर पाते हो या नहीं कर पाते, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा, थैंक यू।